स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में आपके लिए लेकर आया हूं मैं प्रोनाउन केस चार्ट। जी हां, प्रोनाउन केस चार्ट, जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। उन्हें अक्सर कंफ्यूज होना होता है, अक्सर ये आई, मी, माय, माइन एंड माइसेल्फ किस तरीके से यूज होते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में डिटेल एक्सप्लेन करने वाला हूं। 15-20 मिनट्स के इस वीडियो लेसन में आपको सारी चीजें डिटेल में विद एग्जाम्पल्स में एक्सप्लेन कर रहा हूं। पूरे सेशन को आपको एंड तक देखना है। अगर कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताना, ताकि उस सेशन पर भी मैं आपका वीडियो बना सकूं। चलिए हम इस सेशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको थोड़ा सा मैं ग्रामेटिकली लेकर चल रहा हूं, लेकिन आपको पूरा केयरफुली सुनना है, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। यहां पर लिखा आई, जिसका मतलब होता है स्टूडेंट्स मैं, मुझे, कभी कभी इसका मतलब मेरे के सेंस में भी होता है, और मुझमें भी इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स। तो ये सभी का मतलब आई होता है, है ना। जब आप इसे ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको बता दूं मैं कि ऑब्जेक्टिव केस में आप इसे यूज करते हैं मी में। जब आप इसे पजेसिव केस में यूज करते हैं, तो आपको बता दूं मैं, पजेसिव केस आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एडजेक्टिव और एक होता है आपका प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव में आप लोगों को बता दूं मैं कि आपको इसको यूज करना होता है एडजेक्टिव में माय, और प्रोनाउन में करना होता है माइन, M-I-N-E, और दोनों का मतलब होता है मेरा, मेरी, मेरे, मेरा, मेरी, मेरे, लेकिन सेंटेंसेस अलग बनते हैं, वो आगे आपको बताऊंगा। और रिफ्लेक्सिव केस में स्टूडेंट्स इसका बनता है myself। और आप देखें यहां पर I, me, my, mine and myself, ये आपके हैं सब्जेक्टिव केस, ये है ऑब्जेक्टिव केस, ये है पजेसिव केस, ये है रिफ्लेक्सिव केस। अब पहले तो क्वेश्चन उठता है स्टूडेंट्स कि इनको हम सेंटेंस में कैसे यूज करें। तो आपको बता दूं कि आप जब कहोगे मैं के सेंस में कि मैं एक टीचर हूं, मतलब जब ये सब्जेक्ट के सेंस में आएगा तो आपको आई लगाना है, राइट। जब आप कहेंगे मुझे वहां जाना चाहिए, आई शुड गो देयर, मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन, देखिएगा सभी जगह आई का यूज हो रहा है, मुझमें ये काम करने की हिम्मत है, आई डेयर टू डू दिस वर्क, राइट। मैंने उसे पेन दिया, तो देखो मैंने के सेंस में भी आई गेव हिम अ पेन। तो जब कभी आपका आई जो है सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, जब कभी आपका मैं, मुझे, मेरे, मुझमें, मैंने सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो आपको वहां आई लगाना है। दूसरी ओर मी, ये कब यूज करना है, जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में आए, जैसे इसके नाम में ही छुपा है, आप देखिए ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस मतलब कि वो केस, वो सिचुएशन जिसमें आपके आई जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में आए। जैसे मैंने कहा उसने मुझे पेन दिया, तो देखिए पेन देने वाला व्यक्ति कौन था, वो है, उसने मुझे पेन दिया, तो मैं तो एक ऑब्जेक्ट हुआ, तो इसके लिए आपको मी लगाना होगा, ही गेव मी अ पेन, तो यहां मी लगेगा। आप अगर आप ये बोलोगे ना ही गेव आई अ पेन, तो ये गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये विशेष ध्यान देना, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा गलती करते हैं। इसके बाद थर्ड आपका होता है पजेसिव केस। अब ये पजेसिव केस क्या होता है स्टूडेंट्स, तो आपको बता दूं पजेसिव केस मतलब हिंदी में से कहते हैं हम स्वामित्व कारक, जिसमें कि आपका यूज होता है माय एंड माइन, जिसमें एक है आपका पजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा है पजेसिव प्रोनाउन। तो दोनों के बीच में अंतर क्या है, दोनों के बीच में अंतर ये कि इसके बाद में नाउन आता है। जब आप कहोगे यह मेरा पेन है, तो आप इंग्लिश में कहोगे दिस इज माय पेन, लेकिन माइन अकेला ही आता है। जब आप कहोगे यह पेन मेरा है, तो दिस पेन इज माइन, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों सेंटेंसेस के बीच में, आपको विशेष ध्यान देना है। जब आप कहते हो यह कार आपकी है, सो दिस कार इज योर्स, लेकिन यह में आपकी कार है, तो दिस इज योर कार, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, केयरफुली इन सेंटेंसेस को देखिएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट में आपको लेकर चल रहा हूं माइसेल्फ। अब ये माइसेल्फ क्या है, अब देखिए माइसेल्फ की बात करें तो माइसेल्फ का मतलब होता है स्वयं, मैं अपना काम स्वयं करता हूं, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई डू माई वर्क myself, मैं स्वयं वहां जाता हूं, I go there myself, मैं स्वयं उसकी मदद करता हूं, I help myself, right? तो इस तरीके से myself का मतलब स्वयं के सेंस में होता है। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आई का आपको सारे सेंस समझ में आए होंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट लेकर चल रहा हूं वी पर। वी का मतलब होता है हम, हमें, हमने, हमारे और हम में, जो भी जिस भी सेंस में आप बोलना चाहो, अगर वो सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो आपको वी लगाना है। आपको बता दूं स्टूडेंट्स इसका ऑब्जेक्टिव केस बनता है अस, राइट। इसका पजेसिव केस बनता है स्टूडेंट्स एडजेक्टिव में आर, और यहां बनता है आर्स, इसमें एस लगता है,
और यहां रिफ्लेक्सिव में आप इसे बनाते हैं, चूंकि ये प्लूरल होता है तो ये और सेल्फ्स बनता है स्टूडेंट्स, ये विशेष ध्यान देंगे आप लोग, इसमें सेल्फ नहीं लगता है, इसमें एस ई एल वी ई एस, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए इसको और सेल्फ्स कहा जाता है, और सेल्फ्स राइट। थोड़ा प्रोनाउंस भी करके एक दो बार आप देख लीजिएगा, तो वी, मैं यू को थोड़ा नीचे लिख देता हूं, वी अस आर आर्स एंड आर सेल्फ्स, काफी ज्यादा इजी है। अब इसके सेंटेंसेस देखिए आप, हम सब इंडियन हैं, वी ऑल आर इंडियंस, ओके, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, वी शुड हेल्प हिम, हमने उसकी मदद की, वी हैव हिम, हमारे पास समय है, वी हैव टाइम, और हमें ये काम करने की हिम्मत है, वी डेयर टू डू दिस वर्क। सारी सिचुएशन में हमने स्टूडेंट्स यहां पर वी को यूज किया है, लेकिन अस कहां यूज होगा, उन्होंने हमारी मदद की, उन्होंने हमें पेन दिया, उन्होंने हमें घर दिया, तो इस तरीके से देखो ये हमें जो है आपका अस के सेंस में यूज हो रहा है, तो यहां पर आप अस लगाओगे। सिंपल सा कंसेप्ट है स्टूडेंट्स कि जब हमें सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो वी लगाओगे, लेकिन जब हमें जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो अस लगाओगे, राइट। बहुत ही आसान कंसेप्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है आर का मतलब होता है स्टूडेंट्स हमारा, हमारी, हमारे, ठीक है। जैसे मैंने कहा यह हमारी कार है तो इंग्लिश में आप कहोगे दिस इज आवर कार, लेकिन यह कार हमारी है तो दिस कार इज आवर्स। दोनों सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको थोड़ा सा अंतर उनमें यह दिखेगा कि यह कार मतलब दिस कार, दिस कार इज आवर्स, और दूसरी ओर आप बोल रहे हो कि यह हमारी कार है तो दिस इज आवर कार। यह एक छोटा सा डिफरेंस इन दोनों के बीच में, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, और हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए तो वी शुड डू अवर वर्क आवर सेल्फ, We should do our work ourselves। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका वी भी वर्क करता है। नेक्स्ट मैं आपको लेकर चल रहा हूं, यू, यू मतलब होता है आप। स्टूडेंट्स आपको बता दूं यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू ही होता है। आप लिख सकते हैं इसे, या फिर तुम लिख सकते हैं, तुम, तुम्हें, तुमने, तुम्हारे, ठीक है ना। हर सिचुएशन में इसका यूज होता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। जब सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो आपको यू लगाना है, ऑब्जेक्टिव केस इसका यू होता है, पजेसिव आपका यूर, ये भी yours, और इसके दो बनते हैं स्टूडेंट्स, एक बनता है yourself और एक बनता है yourselves। जब आप एक सिंगुलर व्यक्ति को बोलते हैं तो उसके लिए yourself लगता है, और जब आप दो या दो से ज्यादा लोगों को बोलते हैं तो वहां पर आपका yourselves रखता है। ये बिल्कुल पॉइंट नोट करके चलेंगे आप लोग। जैसे मैंने कहा आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, राइट। उसने तुम्हारी मदद करी, ही हेल्प्ड यू, तो ये देखो यहां पर यू लगा। मैंने कहा यह प्रॉपर्टी आपकी है, सो दिस इज योर प्रॉपर्टी, है ना। तो इस तरीके से देखो यह प्रॉपर्टी आपकी है तो दिस प्रॉपर्टी इज योर्स, और यह आपकी प्रॉपर्टी है तो दिस इज योर प्रॉपर्टी। तो जो भी आप बोलना चाहते हैं यूर या यूर्स बोल सकते हैं, लेकिन याद रखना इनके साथ में नाउन लगता है। योर प्रॉपर्टी, योर कार, योर पैन, आवर पैन, आवर कार, आवर हाउस, माई पैन, माई कार, माई बाइक, है ना। तो इस तरीके से आपका यूज होता है, मतलब इनके साथ में आपको कंपल्सरी है कि आपको नाउन लगाना है, लेकिन ये आपके अकेले आते हैं, ये विशेष ध्यान देंगे आप लोग। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैं आपको लेकर चल रहा हूं ही। अब आप एक बात सबको बता दूं कि आई और वी जो है आपके ये फर्स्ट पर्सन है स्टूडेंट्स, राइट। यू जो है स्टूडेंट्स ये आपका सेकंड पर्सन है, और इसके नीचे जितने भी आपके ये आए हैं ये सारे आपके जो है वो थर्ड पर्सन है, राइट। अब आई और वी फर्स्ट पर्सन क्यों, ये समझ लें। आई और वी मतलब कि आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम। तो जब भी कोई व्यक्ति बोलता है तो वो अपने आप को आई कंसिडर करके बोलता है, अपने आप को वी कंसिडर करके बोलता है। दैट्स वाई इन दोनों को फर्स्ट पर्सन माना जाता है। अगर मैं हूं तो मेरे लिए आप हो जाएंगे सेकंड पर्सन, इसलिए यू को कहा जाता है सेकंड पर्सन। और जब आई और यू मिलके, मैं और आप मिलके किसी थर्ड की बात करेंगे कि वह मेरा फ्रेंड है, वह मेरी फ्रेंड है, वे अच्छे लड़के हैं, है ना। तो इस तरीके से जो भी है यहां पर वो सारी सिचुएशन आप लोगों की चली जाती है थर्ड पर्सन। तो अब हम देखने वाले हैं थर्ड पर्सन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके कि देखिए थर्ड पर्सन किस तरीके से आपका चेंज होता है। तो भैया ही का मतलब होता है वह, उसे, ठीक है, या उसने भी बोल सकते हो आप इसमें। वह एक अच्छा डॉक्टर है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है स्टूडेंट्स हिम, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। जैसे उसे वहां जाना चाहिए तो ही शुड गो देयर, उसने मेरी हेल्प करी, ही हेल्प्ड मी, वह एक अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय, लेकिन मैंने उसकी हेल्प करी या मैंने उसे पैन दिया तो आई गेव हिम अ पैन। ये देखो उसे उसका मतलब निकल रहा है, राइट। ये इस तरीके से आपको वर्क करता है। साथ ही जब आप इसका बनाते हो क्या पजेसिव केस, तो पजेसिव केस आपका बनता है हिज, और आपको बता दूं मैं ये भी आपका बनता है हिज, और रिफ्लेक्सिव बनता है स्टूडेंट्स हिमसेल्फ। नाउ ये हो गया आपका हिमसेल्फ।
अब देखें स्टूडेंट्स यहां पर आप ही हिम हिज हिज एंड हिमसेल्फ। स्टूडेंट्स हिम में और हिज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन उनको होता है। हिज का मतलब होता है स्टूडेंट्स उसका उसकी उसके, और इसका मतलब भी होता है उसका उसकी उसके। जैसे उसके पापा तो हिज फादर, हिम फादर नहीं होगा, लेकिन मैंने कहा मैंने उसे एक पैन दिया तो आई गेव हिम अ पैन। अब यहां पर आप ये नहीं बोलोगे आई गेव हिम या आई गेव हिज अ पैन, लाइक इस तरीके से अगर आप ये बोलते हैं तो गलत हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा विशेष ध्यान दें कि हिम और हिज में क्या अंतर है। हिज आपका पजेसिव केस होता है जो उसका उसकी उसके का मतलब देता है, लेकिन आपका हिम जो होता है ये आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है जो उसे का मतलब देता है, जो ऑब्जेक्ट की जगह यूज होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो ही जगह इंग्लिश में होती है, देख लीजिए आपके सेंटेंस को जब आप बनाते हैं तो ये होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो आप थोड़ा सा इस चीज को देखिए कि ये आपका सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट में आएगा तो ही लगाओगे, ऑब्जेक्ट में आएगा तो हिम लगाओगे, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। चलिए स्टूडेंट्स मैं आगे लेकर चल रहा हूं। शी शी का मतलब भी होता है वह, उसे और उसने। इसमें देखो शी के लिए लगाना है आपको ऑब्जेक्टिव केस में हर, और आपको बता दूं मैं पजेसिव में भी आपको हर ही लगाना है। मतलब यहां पर ऑब्जेक्टिव में भी हर और पजेसिव में भी हर, ये दोनों सिमिलर है, लेकिन हिम के साथ इसके ही के साथ देखो ही में ऑब्जेक्टिव केस में यहां हिम है और पजेसिव केस में हिज है। इसके बाद इसमें जब आप बनाते तो यहां एस लगता है हर्स, राइट, और यहां पर आप लिखते हैं हरसेल्फ। जैसे मैंने कहा उसे स्वयं वहां जाना चाहिए, तो लड़का है तो ही शुड गो देयर हिमसेल्फ, और लड़की है तो उसे स्वयं वहां जाना चाहिए शी शुड गो देयर हरसेल्फ। लड़की के लिए हरसेल्फ, लड़के के लिए हिमसेल्फ। सिंपल सा कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। तो ये आपका इस तरीके से बन जाता है, ही और शी के बीच में डिफरेंस आपको सभी को बहुत अच्छे से पता है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मैं आपको लेकर चल रहा हूं दे पर। अब आप देखेंगे यहां पर दे को किस तरीके से यूज हम करते हैं। तो दे का मतलब होता है स्टूडेंट्स वे, उन्हें, उन्होंने, राइट। इसका ऑब्जेक्टिव केस बनता है स्टूडेंट्स देम, और आपको बता दूं मैं पजेसिव बनता है देयर और रिफ्लेक्सिव बनता है देयर्स। अब ये वो वाला देयर नहीं है, एक देयर आपका ये होता है और एक देयर आपका ये होता है, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है स्टूडेंट्स। ये देयर का मतलब होता है वहां, है ना, और ये देयर का मतलब होता है उनका, उनकी, उनके, उनका, उनकी, उनके। ये इस तरीके से आपका वर्क करता है। और इसको जब आप रिफ्लेक्सिव केस में बनाते हैं तो आपको बता दूं आप लिखते हैं themselves, आपको लिखना होता है themselves। तो देखेंगे they, them, their, theirs and themselves। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, बिल्कुल इस कंसेप्ट को लर्न कर लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी स्टूडेंट्स। तो they, them, their, their and themselves, तो ये इस तरीके से आपका हो गया। बिल्कुल ये सारी चीजें आप नोट करके चलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी स्टूडेंट्स। सो दे देम देयर themselves, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस, जिसका मतलब होता है उन्होंने, या बोल सकते हैं उन्हें, ठीक है, उन्हें राम ने उन्हें समझाया, तो राम एक्सप्लेन देम, इस तरीके से राम कन्विंस देम। इसी तरीके से इट है स्टूडेंट, इट का मतलब होता है वह, इट का ऑब्जेक्टिव केस भी इट होता है, पजेसिव आपको बता दूं इट्स होता है, और ये वाला पजेसिव भी इट्स होता है, और इसमें लगता है इटसेल्फ। पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए इट को लगा देगा। इट यूज होता है आपका नॉन लिविंग चीजों के साथ में, साथ ही एनिमल्स के साथ में, ठीक है। जैसे कोई एनिमल है, कोई किसी प्रकार से काऊ है, आपने कहा कि उसका पैर जो है वो टूटा हुआ है, तो उसका पैर टूटा हुआ है, तो ये जो उसका आ रहा ना स्टूडेंट्स उसके लिए लगेगा इट्स। इट्स लेग इज ब्रोकन, इट कैन नॉट वॉक, इट कैन नॉट मूव, इट कैन नॉट मूव बिकॉज इट्स लेग इज ब्रोकन, वो चल नहीं सकती है क्योंकि उसकी जो पैर है, उसका जो पैर है वो टूटा हुआ है, तो ये वाला इट्स होता है। एक इट्स आपका ये भी होता है स्टूडेंट्स, जिसमें स्टूडेंट्स काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, एक इट्स ये होता है और एक इट्स ये होता है। ये इट्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स इट इज, और ये इट्स का मतलब होता है उसका, उसकी, उसके। तो आप लोग याद रखिए, अगर आपने इस तरीके का मार्क लगा के एस लगा दिया तो इसका मतलब इट इज माना जाता है, इसलिए आपको विशेष ध्यान देना है। तो इट्स लेग मतलब उसका पैर, इट्स हेयर उसके बाल, इट्स यू कैन से मिल्क उसका दूध, जैसे गाय का दूध हम बोलते हैं ना, बहुत उपयोगी होता है, तो इट्स मिल्क इज वेरी यूजफुल। तो इस तरीके से आपका स्टूडेंट से वर्क करता है। अभी देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी चीजें आपको दी हुई है। जैसे मैंने कहा गाय अपने आप में एक उपयोगी जानवर है, तो काउ इज एन यूजफुल एनिमल इट्सेल्फ, ये देखो हमने यहाँ पर इट्सेल्फ लिखा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको लेकर चल रहा हूं। अब ये जो है ये नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है राम, आपको बता दूं इसका ऑब्जेक्टिव केस बनेगा राम, या फिर आप बना सकते हैं हिम,
इसका पॉजिटिव केस बनेगा स्टूडेंट्स राम्स या फिर बनाओगे आप हिज, राम्स या फिर आप बनाओगे हिज, और इसमें बनेगा स्टूडेंट्स हिमसेल्फ। विशेष ध्यान देंगे क्या बनाना है आपको, हिमसेल्फ। अब अगर यहां पर कोई लड़की आ जाए जैसे मैंने कहा गीता, तो गीता, गीता का ऑब्जेक्टिव केस गीता ही होगा, लेकिन प्रोनाउन में बनाओगे तो हर हो जाएगा, गीतास हर, गीतास हर, और यहां हो जाएगा हरसेल्फ। तो स्टूडेंट्स ये था आपका केस चार्ट जो कि मैंने आपको पूरा डिटेल्ड बताया, जिसमें आप सबसे पहले मैंने आपको बताया आई और वी, देख सकते हैं आप यहां पर आई और वी को एक्सप्लेन किया, फिर हमने सेकंड पर्सन यू को देखा, फिर थर्ड पर्सन में सारी सिचुएशन ही शी दे इट और राम को देखा, इसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस हमने इन सबके देखे जिसमें मैंने मी को बताया, अस को बताया, यू को बताया, हिम को बताया, हर को बताया, दैम इट और इनको सबको देखा। देन हमने पॉजिटिव केस देखा, तो पॉजिटिव केस की दो सिचुएशन मैंने बताई, एक बताई एडजेक्टिव वाली, दूसरी बताई मैंने प्रोनाउन वाली। तो एडजेक्टिव में क्या हो रहा है कि जितने भी आपके एडजेक्टिव उनके सबके बाद में नाउन लगता है, राइट, और यहां पर ये आपका प्रोनाउन, और लास्ट में आपका रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव केस को यूज करने का तरीका मैं बता ही चुका हूं, मैं अपना काम स्वयं करता हूं, आई डू माय वर्क माय सेल्फ, हम अपना काम स्वयं करते हैं, वी डू अवर वर्क अवर सेल्फ, तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो यू शुड डू योर वर्क योर सेल्फ, तो अपना काम स्वयं करना चाहिए। अगर सब्जेक्ट यू है तो आपका योर सेल्फ लग जाएगा, अगर सब्जेक्ट ही है तो हिमसेल्फ लग जाएगा, अगर सब्जेक्ट आई है तो माइसेल्फ लग जाएगा। मतलब रिफ्लेक्सिव केस आपका डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको रिफ्लेक्सिव केस यूज करना है। अब मुझे बताइए क्या आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है, मेरा जहां तक मानना है सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर आपके सामने है। आप कमेंट करके आप मुझे बताओ कि वीडियो कैसा लगा फटाफट फटाफट, साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में उन लोगों के साथ शेयर कर दो जो वाकई में सीखना चाहते और अपने आपको इंप्रूव करना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई नई चीजों के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।